अगला है, इसी में एक और है हम लोग का, पांचवा, व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक, चिल्ड्रन विद द लैंग्वेज डिसऑर्डर, व्याख्यान। ठीक है, तो देखिए इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिन्हें खास शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है। जैसे कि आप लोग को बोले ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको सिंटेक्स बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रूलर बहुत से आदमी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, हम भी बहुत टाइम तक प्रूलर नहीं बोल पाते थे, हम उसको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो खास शब्द होते हैं, उस खास शब्द को बोलने में ही क्या होते हैं, ऐसे पर्सन को क्या होती है। एक मूवी था रानी मुखर्जी का, उसमें हिचकी वो, हाँ, हिचकी, मैम, हिचकी, उसमें भी क्या था, वाणी विकलांग दोष बालक के अंतर्गत वो आ रही थी। वो उसमें कौन सा दोष आ रहा था, उसमें फ्लुएंसी नहीं था, वो शब्दों को जो बोलती थी वो फ्लुएंस नहीं बोल पाती थी, वो बीच में क्या कैसे हिचकी कैसे कैसे करती थी ना, तो वो क्या है, अटक अटक के बोलती थी। और बहुत से शब्द, साथ ही साथ उसमें व्याख्यान संबंधी दोष वाले भी कारक थे, वो कुछ कुछ शब्दों का सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो वाणी विकलांग दोष के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी हम लोग ऐसी मूवीज भी होती है जो समाज को क्या करती है, कुछ चीज सिखाती है। ऐसे मूवी क्या होता है, समाज का ही आईना होता है, समाज का ही जी प्रतिरूप होता है। तो बहुत सारी मूवी ऐसी होती है जो बच्चे को बिगाड़ती है, लेकिन बहुत सारी मूवी जो होती है जो सिखाती भी है। तो यहाँ पे भी देखा गया क्या, कि वो जो है फ्लुएंसली कुछ भी नहीं बोल पाती थी, हटकती थी, हकलाती थी, जिसकी वजह से दूसरे टीचर्स उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। हालांकि उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी था, वो पढ़ाती बहुत अच्छा थी, लेकिन अपने इसी दोष की वजह से वो मजाक का पात्र बन जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक में जो खास खास शब्द होते हैं उसको बोलने में कठिनाई होती है, सभी शब्दों को बोलने की नहीं, जो कुछ खास शब्द होते हैं उस खास शब्द को बोलने में कठिनाई होती है, और कोशिश करते हैं तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता है। अगर बार बार वो उसकी कोशिश भी करे तो भी उसके बदले कुछ दूसरा शब्द निकल जाएगा, लेकिन वो शब्द वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, यानी कि वो पूर्णतः अवाक यानी कि स्पीचलेस रह जाते हैं, वो जो शब्द वो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के साथ भी होता है। आप कुछ जब किसी इंग्लिश वर्ड्स को पढ़िएगा तो कुछ ऐसे शब्द आपको भी जरूर मिलेंगे जिसको आप प्रोनाउंसिएशन करना चाह रहे हो, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हम लोग के साथ भी होता है। ठीक है, ये वाला जो दोष होता है ये हम लोग के साथ भी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। ठीक है, तो ये था हम लोग का वाणी विकलांग दोष वाले बालक। वाणी विकलांग दोष वाले बालक के अंतर्गत हम लोग का क्या आया था, पहला, पांच भागों में इसको बांट दिया गया। पहला हम लोग आया था गूंगे बालक, दूसरा आया था उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, तीसरा आया था प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक, चौथा आया था आवाज संबंधी दोष वाले बालक, और पांचवा आया था व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मैम हाँ, एक बार धीरे धीरे बोलिए ना, पांचों। एक बार धीरे धीरे बोले। वाणी विकलांग बालक के अंतर्गत पहला आ जाएगा हम लोग का गूंगे बालक। ठीक है, गूंगे बालक। दूसरा आ जाएगा उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। तीसरा आ जाएगा प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक, लिखते होंगे शायद, प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक। चौथा हो जाएगा आवाज संबंधी दोष वाले बालक, आवाज संबंधी दोष वाले बालक, और पांचवा हो जाएगा व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। ठीक है, व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। जी ठीक है, मैम, हो गया। चलिए, जी अब मैम, ये जो वाणी विकलांग बालक जो होते हैं, इनके लिए हमें इनकी एक विशेष पहचान होती है। आप ऐसे बालक को कैसे पहचानिएगा कि इसको वाणी विकलांग है, वाणी विकलांगता है। ठीक है, तो इनकी पहचान के कुछ तरीके हैं। क्या बोल रहा है, ऐसे बालकों की वाचन क्षमता में खराबी होती है, मतलब आप जब उस बच्चे से बात कीजिएगा तो आपको बात करने से पता नहीं चल जाएगा कि वो बच्चा बतलाता है। जैसे कि अभी हम जिस नए स्कूल में जा रहे हैं तो वो बच्चा आके हमसे बोलता है, वो शायद मेरे किसी रिलेटिव का बच्चा है, तो उसको पता चला हम उसकी चाची लगेंगे, तो वो आके हमको बोल रहा है कि मैम एक्सक्यूज मी मैम, हम तो आप देखते तोतन है, बोल रहा है तोतन है, हम बोले क्या तोतन है, तो बोलता है मैम आपके हस्बैंड का नाम क्या है, हम बोले मेरे हस्बैंड का नाम जानते आप क्या करेंगे।
तो उस बच्चे से बात करने से आपको समझ में आ जाएगा कि उस बच्चे में किसी ना किसी प्रकार का वाणी दोष है। समझ में आया? वो तत्ला रहा है, वो शब्दों का प्रयोग सही से नहीं कर रहा है, चाहे वो हकला रहा है तो भी बात करने से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों पे हंसना नहीं चाहिए। हाँ देखिए, पूरा क्लास उस पे हंसता है तो, लेकिन ऐसे बालक बच जाते हैं इसी वजह से, जो है सुन के अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसे बालक जो होते हैं अन्य सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। ये सब विशिष्ट बालक के ग्रुप में आ गए। अब जो शब्द पढ़ना है बुक में दिखा हुआ है कुछ और, उसको पढ़ रहे हैं कुछ और, जो पढ़ रहे हैं वही ना लिखे, गलत ही ना लिखे, तो वो तो पिछड़ रहे हैं ना। चलिए दूसरा बोल रहा है, ऐसे बालकों की वाचन क्षमता सीमित मैम होती है। हाँ बोलिए एक सवाल है, जो बोले जो बोलिए। पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं, तो मैम हाँ जैसे पंजाबी लोग कनाडा को कनाडा बोलता है हाँ और पेट्रोल को पेट्रोल बोलता है, तो हम हाँ कैसे समझेंगे मैम कि ये इन लोग वाणी दोष है कि क्या है मैम? नहीं, ये वाणी दोष नहीं है। अभी आपको बोले ना, जैसे कि बिहार के लोग ड को ड बोलते हैं, वो क्षेत्रीय दोष है, वो क्षेत्रीय भाषा के अनुसार वैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो पंजाब का क्षेत्रीय भाषा है, वो लोग उसी को वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, वो उनका क्षेत्रीय भाषा है, वो उसको वैसे ही बोलते हैं। मैम हम लोग पढ़ने जाएंगे, अगर वो हम लोग के लिए अगर पेट्रोल नया शब्द रहेगा तो हम लोग भी तो पेट्रोल लिखेंगे मैम। नहीं, हम लोग नहीं लिखेंगे पेट्रोल, क्योंकि हम हमको कभी मान पता लीजिए है। सुने ही नहीं है तो फिर तो हाँ हम वही शब्द हाँ लिखेंगे मैम। देखिए, वहां पे आप गलत लिख सकते हैं कि आप कभी उस चीज को सुने ही नहीं है, चाहे बुक भी अगर पढ़ रहे हो, चाहे किसी बुक में लिखा हुआ है, तो वो उसी शब्द में लिखा है, तो हम लोग उसको उसी शब्द में प्रयोग करेंगे। हमारे अंदर कोई वाणी विकलांगता नहीं ना है, वाणी विकलांग नहीं ना है, चाहे हम किसी क्षेत्रीय क्षेत्र मैम से प्रभावित नहीं ना। हाँ फिर बोलिए। वो तो मान लीजिए हम वापस झारखंड आ गए तो हम तो वही भाषा बोलेंगे पेट्रोल। क्यों बोलेंगे झारखंड? हम झारखंड में रहे हैं, हम झारखंड की भाषा जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, हम यहाँ के भाषा से भी प्रभावित हैं। हम कुछ टाइम के लिए वहां चले गए तो हम क्या वहां के भाषा से प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, हम जब तक वहां पे रहेंगे ठीक है, हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जो पहले सीखी हुई भाषा है, पूर्व भाषा है, उसको हम क्या भूल जाएंगे? हम लोग जो बचपन में क ख ग घ पढ़ना सीखे थे, हम लोग बाद में ग्रेजुएशन किए, इंटर किए, मैट्रिक किए, तो क्या हम क ख ग घ भूल गए हैं? कोई नहीं भूलता है अपनी भाषा, कोई नहीं भूलता है। समझ में आया? भले हम कहीं चले जाएं, हमारे कंट्री के लोग जो कि इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जाके रह रहे हैं, क्या उनको अपनी भाषा नहीं आ रही है? क्या वो अंग्रेजों की तरह टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे? नहीं, वो अपनी भाषा जो सीखे हैं, उनको अपनी भाषा का ज्ञान है, वो अपनी भाषा सही से बोलेंगे। ठीक है पूजा जी मैम जी, आपको टाइम नहीं पता था? पता था मैम, लेट हो गया। अब से 4 बजे से ही क्लास होगा। ठीक है, ठीक है दिक्कत मैम। है? हाँ आज 4 बजे सुबह था, हाँ आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया नहीं था? नो मैम। देखिए गायत्री जी भी अभी जुड़ी है, लेकिन इनको भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। गायत्री जी, आपको भी पता नहीं था कि क्लास 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है? मैम पता था बट 2 दिनों से 4 बजे से नहीं ना जुड़ रहे थे, इसलिए हम सोचे शायद 4:30 बजे होगा। नहीं, अब से क्लास 4 बजे से ही स्टार्ट होगा। आप लोग 4 बजे एग्जैक्ट नहीं जुड़िएगा, ठीक है? 4:10 तक, ठीक है? टारगेट ठीक है मैम। रखिए कि 4 बजे ही जुड़ना है। आप लोग का काम है, कुछ है, थोड़ा लेट लेट हुआ, ठीक है, 4:10 तक, लेकिन क्लास 4 बजे से ही होगा, क्योंकि रात बहुत ठंडा हो जाता है, और 4:30 बजे हम आते हैं, क्लास स्टार्ट करते करते 4:45 हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 1 घंटा मिलता है। ठीक है, इसीलिए 4 बजे से रखिए। अभी ये जो दिसंबर है और जनवरी है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। आप लोगों कुछ तो एग्जाम में जाके लिखेंगे, कुछ तो करेंगे, थोड़ा मेहनत मैम इसमें, थोड़ा सा जनवरी में तो फोकस। हो ही जाए एग्जाम। जी नहीं, अभी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग का दिसंबर में मैम दे देगा कि जनवरी में देगा, ये अब नहीं पता है। हो सकता है कि आपका दिसंबर में ही फर्स्ट डेट से ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए। मेरा तो, हम जब पिछली बार एग्जाम दिए थे तो मेरा 16 से एग्जाम स्टार्ट था, 16 को था, 17 को था, और फिर 20 को था। 16 वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया, 16 वाला एग्जाम फर्स्ट पेपर लिया था, सेकंड पेपर कैंसिल कर दिया, 17 वाला एग्जाम पूरा ही कैंसिल कर दिया, और फिर हम लोग का तीसरे दिन ही थर्ड जो एग्जाम था वही डेट में मेरा एग्जाम। तो हो सकता है कि आप लोग का स्टार्टिंग डेट में ही हो जाए, हो सकता है कि जनवरी में फेंकते,
जनवरी में फेंक देगा तो ज्यादा अच्छा है, हम लोग का कुछ और टॉपिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। ऐसे बालकों की उच्चारण जो होती है वो प्राय क्या होती है, गलत होती है, सही शब्दों का उच्चारण वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक विभिन्न स्वरों में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप उसको उच्च स्वर में बोल रहे हैं या निम्न स्वर में बोल रहे हैं, वो विभिन्न स्वरों में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग गाना गाते हैं ना, तो उसमें कभी हाई स्पीच होता है, कभी लो स्पीच होता है, ऐसे बच्चे उन स्वरों में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, और ऐसे बालकों में अपनी बात अभिव्यक्ति करते समय आत्मविश्वास में भी कमी होती है, मतलब उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनमें हिचक रहेगी, उनमें डर रहेगा कि जो वो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे बालक में आत्म अभिव्यक्ति की भी कमी रहती है, अपने बातों को बोलने में वो बहुत हिचकते हैं, बहुत डरते हैं, घबराते हैं। ऐसे बालक कभी भी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी किसी सॉन्ग में या फिर किसी डिबेट में, ये सब में कभी भी ये सब बालक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अक्सर वो इस सब से घबराए हुए ही रहते हैं। ठीक है, हम लोग भाषा विकलांग बालक, ये वाणी विकलांग बालक पढ़ रहे हैं, पूजा जी, गायत्री जी। ठीक है, आप लोग का थोड़ा लेट हो गया। अगला बोल रहा है, भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालकों की शिक्षा एवं समायोजन। ऐसे बालकों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए और समाज के साथ किस तरह से इसको समायोजित करना चाहिए। पहला बोल रहा है कि उच्चारण संबंधी दोष से ग्रसित बालकों को अधिक से अधिक उच्चारण कराने का अभ्यास करना चाहिए। जो शब्द उनको बोलने नहीं आ रहा है, जिस शब्द में वो अटक रहे हैं बच्चे, उस शब्दों का बार बार उसको क्या करवाना चाहिए, उच्चारण करवाना चाहिए, वो बहुत लाउडली स्पीच करवाना चाहिए, लाउड स्पीच करवाना चाहिए। प्राय जो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं वैसे शब्दों में, अब बच्चा ल नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो उसको ल का प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत बोल दिया छोड़ दिया, नहीं, बार बार उसको उसका उसी शब्द का प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बालकों की शिक्षा और समायोजन के लिए सर्वप्रथम उनके वाणी दोष का कारण जानना चाहिए, उनका वाणी दोष का क्या कारण है। ठीक है, और इसके बाद उनके वाणी दोष का निवारण करना चाहिए। वो तुतलाता है, वो हकलाता है, वो क्या करता है, ठीक है, इन सब का कारण पता है, इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। बोलने या अटकने या हकलाने वाले बालकों के सुधार के लिए विशेषज्ञों की पहचान लेनी चाहिए, जिसको हम अभी बोले ना स्पीच थेरेपी, तो जाके बच्चों को, ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए। जैसे कि अभी मेरी दीदी का लड़का का स्पीच थेरेपी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुतलाता है, बहुत से शब्दों को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो क्या हो रहा है उसका, स्पीच थेरेपी। तो ऐसे बालकों को विशेषज्ञों के पास ले जाके स्पीच थेरेपी करवाना चाहिए। और इनके साथ, जैसे कि अभी हम बोले तो ला कर बोल रहे थे तो सब हंसने लगे, तो कभी भी ऐसा माहौल नहीं बना के रखना चाहिए। आप उस पे हंसोगे तो बच्चे का मनोबल गिरेगा, उसको दो चार लोगों के सामने अगर कोई इस पे हंस देगा तो उसको बुरा लगेगा, उसको खराब लगेगा, वो और कम बोलना शुरू कर देगा, दूसरों से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करना चाहिए, कभी उनके बातों पर हंसना नहीं चाहिए। अगर वो कहीं गलत बोल रहे हैं तो उनके बातों को सुधारना चाहिए। ठीक है, इस तरह का बिहेव उनके साथ करना। मैम दूसरा पॉइंट क्या बोले थे मैम? दूसरा दूसरा बोले थे कि उनका जो वाणी दोष है, क्या दोष है, चाहे तोतला रहे हैं कि हकला रहे हैं कि केवल विशेष शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करने में उनको दिक्कत हो रही है, पहले तो कारण जानेंगे, और कारण जानकर फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वो तुतला रहा है, हकला रहा है, तो उसको स्पीच थेरेपी करवाएंगे, और अगर किसी एक विशेष शब्द में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बार बार क्या करेंगे, उसका उच्चारण करवाएंगे जोर जोर से, ताकि वो बच्चे का उस शब्द में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस शब्द का जो उसका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। ठीक है, तो हम लोग दो चीज कर लिए, दो चीज कंप्लीट कर लिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में पहला है शैक्षिक दृष्टि से विकलांग बालक, एक तो हम लोग का गिफ्टेड चाइल्ड था, और दूसरा हम लोग का मंदबुद्धि बालक, ये दो पढ़े थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, यही ना पढ़ रहे थे। तो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में हम लोग क्या पढ़े, वाणी विकलांग बालक, पहला हम लोग यही पढ़े हैं। शारीरिक, जी मैम, अच्छा, हम लोग ये दृष्टिबाधित बालक भी तो कर चुके थे, दृष्टिबाधित बालक हम लोग कल कर चुके थे, आज हम लोग वाणी विकलांग बालक भी हम लोग कर लिए, अब हम लोग करते हैं श्रवण विकलांग बालक। ठीक है,
जो हम लोग का शैक्षिक विकलांग बालक है उस वो टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए, श्रवण विकलांग बालक या सुनने में असक्षम बालक जिनको सुनाई सही से नहीं दे रही है, ठीक है, या फिर इसको बधिर बालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बधिर, बधिर बालक। श्रवण विकलांग बालक कहेंगे, सुनने में असक्षम बालक कहेंगे, या फिर बधिर बालक कहेंगे। स्टूडेंट विद द हियरिंग इम्पेडमेंट, ठीक है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक जिनको क्या है, सुनने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, जिनके सुनने की क्षमता क्या हो गई है, नष्ट हो चुकी है या फिर निम्न कोटि की है। ऊंचा बोलने से सुनेंगे, जैसे कि प्राय जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका हर एक ऑर्गन जो है काम करना धीरे 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 कम कर देता है। अब उनको सुनाई ऊंचा देगा, जैसे मेरे दादाजी, अब उनको धीरे से बोलिएगा ना तो बोलते हैं कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल, ठीक है, तो उसको वो भी हम लोग के क्या है, श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन बूढ़े लोग उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे बूढ़े होने के कारण उनका ऑर्गन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस दोष के कारण उस दोष से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, या तो बच्चा पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा है, या बच्चा जो है थोड़ा बहुत सुन पा रहा है, ऊंचे लाउड स्पीकर में या फिर लाउड आवाज में बोलने से वो बच्चा क्या है सुन पा रहा है। तो ऐसे बच्चों को बोलने या भाषा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं शब्दों को, तो आपके शब्दों का आंसर कैसे दें, ठीक है, या फिर अगर पूरी तरह से बच्चा गूंगा बहरा है तो उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तब तो। अगर बच्चा जन्मजात बहरा है तो उस बच्चे को भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, उसके पास शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा, वो बोल ही नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि वो कुछ सुना ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। हाँ, बच्चा है, जन्म लिया, बच्चा स्वस्थ था, सुन सकता था, हर चीज कर सकता था, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ कारण से उस बच्चे का क्या है, श्रवण जो शक्ति है वो खत्म हो गया, अब वो नहीं सुन पा रहा है। तो बच्चा जहां तक बच्चा सुना है, जहां तक बच्चे का शाब्दिक ज्ञान है, बस उसका ज्ञान क्या होगा, वहीं पे रुक जाएगा। अब उसको नए नए शब्दों का ज्ञान या नई शाब्दिक ज्ञान नहीं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा एकदम जन्म से ही सुना ही नहीं है कभी, उस बच्चे का कुछ भी शाब्दिक ज्ञान होगा, हम लोग जो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस बच्चे को एक शब्द का ज्ञान होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से शब्द को सुना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने या समझने में परेशानी होती है, श्रवण समस्या को हम श्रवण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रवण बाधित बालक कहेंगे, ठीक है। और जो बच्चा पूर्ण रूप से क्या होता है, असमर्थ होता है, वह बहरा बालक हो जाता है। जो आंशिक रूप से सुन रहा है वह श्रवण बाधित बालक है, लेकिन जो पूर्ण रूप से सुन ही नहीं रहा है वह क्या हो जाएगा, बहरा बालक हो जाता है। तो श्रवण बाधित बालक को भी हम लोग कितने भागों में, दो भागों में, एक तो है पूर्ण श्रवण बाधित बालक जो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है, और एक है आंशिक श्रवण बाधित बालक जो थोड़ा बहुत सुन रहा है, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण श्रवण बाधित बालक होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी आप लोगों को क्या बताए, जो जन्मजात बहरे होते हैं, जो जन्म से कभी सुने ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हाँ, एक आप लोगों को अभी हम बोले ना कि जो बच्चे जन्म से गूंगे होते हैं वो जन्म से बहरे भी होते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसा तीन इंसान को देखे हैं, एक तो हमारी पड़ोस में थी, एक हमारे पापा के फ्रेंड की बेटी है, और एक मेरी फ्रेंड की बहन, उसकी बड़ी बहन। वो लेडी जो थी वो ना बोल सकती थी ना वो सुन सकती थी। उसका मैरिज हुआ, उसकी शादी हुई, और उसको जब न्यू बेबी हुआ ना, तो उसके हस्बैंड स्कूल में जॉब करते थे, और वो बच्चा रो रहा, पता है, वो बच्चा खेलते खेलते ना शायद टीवी का तार वार खींच गया कि क्या किया, वो अपने ऊपर टीवी ही गिरा लिया, और वो लेडी सुन नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा जिस छोटा बच्चा था, एकदम छोटा बच्चा, ठीक है। तो वहां पे वो सुनाई ही नहीं उसको दिया, वो कुछ सुननी ही नहीं, कुछ जानी ही नहीं, उसको उसके पास कोई शाब्दिक ज्ञान ही नहीं था। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको समझ ही में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे जन्म जात होते हैं बहरे, ठीक है, और कुछ जन्म के समय ठीक पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना की वजह से क्या हो जाते हैं, बीमारी के कारण क्या हो जाते हैं, वो श्रवण शक्ति उनकी खो बैठती है। तो ऐसे बालक पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो जो पूर्ण श्रवण बाधित बालक होते हैं ना, जो पूरी तरह से बहरे हैं, अगर आप उनको कान का मशीन भी लगा दो तो क्या वो बच्चे सुन पाएंगे,
नहीं, जो कम सुनते हैं, जैसे कि हम लोग के दादाजी लोग हो गए, अभी श्रवण शक्ति कम हो गई है, कान का मशीन लगा दिया जाता है तो उनको सुनाई देता है फिर। लेकिन जो पूरी तरह से बहरे हैं उनको कान का मशीन भी लगा दिया जाएगा तो भी वो नहीं सुन पाएंगे। तो भाषा वर्धन के प्रयोग के बाद भी वो कुछ नहीं समझ सुन पाते हैं, ठीक है। उनको अगर कान का मशीन भी लगा दिया जाए तो भी वो बच्चा जो है बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई उसको नहीं देगा। और दूसरी अगर दूसरे रूप से समझा जाए तो आंशिक जो रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं, ऐसे बालकों को कान का मशीन लगा दिया जाए तो वो सुन सकते हैं, या फिर आप उनके सामने जोर से बोलिए तो वो सुन सकते हैं। उनको भाषा का ज्ञान होता है, उनको शाब्दिक ज्ञान होता है, लेकिन जो श्रवण पूरी रूप से पूर्ण रूप से बहरे बालक होते हैं उनको एक शब्द का ज्ञान नहीं होता है, मतलब कोई नए भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनको भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा देने में कठिनाई नहीं आती है, ठीक है। ऐसे बालकों को हम कभी भी विकलांग बालकों के साथ या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बालक सुन सकते हैं। अगर हम जोर से बोले, अगर कक्षा में लाउड स्पीकर का प्रयोग हो या माइक का प्रयोग हो तो ये बालक को सुनाई दे सकती है। चाहे हम मशीन का, ये बालक अगर मशीन का प्रयोग कर रहा है तो भी ये बालक सुन सकता है। तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में इसको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, इसको दिख रहा है, यह बोल पा रहा है, यह सुन भी पा रहा है, तो यह सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा, समावेशी शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रवण अंगों में कोई दोष होता है, किसी किसी बालक का श्रवण अंगकान में कोई दोष होगा तो श्रवण बाधित बालक जो है श्रवण बाधित हो जाता है। और दोष कान के बाहर अंदर, ये दोष कहाँ कहाँ होगा? किसी किसी का देखिएगा कान बहता रहता है ना, ऐसे बच्चे भी कम सुनते हैं, कान में दर्द रहता है, ऐसे बच्चे भी कम सुनते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? तो यह जो दोष होता है कान के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, कान के अंदर भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार का जो दोष होता है, जो हम लोग के बहरे बालक होते हैं या आंशिक रूप से बहरे जो बालक होते हैं, उनका कान के अंदर भी दोष हो सकता है, कान के मध्य में भी दोष हो सकता है और कान के बाहर भी दोष हो सकता है, प्राय कान उनका बहता हुआ रहता है, ठीक है। तो संसार की घटनाओं की जानकारी हमें सुनकर ही प्राप्त होती है। जो कुछ भी हम लोग नॉलेज लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सुनकर प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हमारा शुभोपल्ली, हम लोग जब पढ़ेंगे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो शुभोपल्ली हम लोग का भाषा कौशल है। शुभोपल्ली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ये शुभोपल्ली हम लोग का क्या है? एक थ्योरी है, ठीक है। तो शुभोपल्ली में सबसे पहले क्या आता है? सुनना। हम जो भी इन्वायरमेंट से जो भी कुछ सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सबसे पहले हमारा सेंस ऑर्गन क्या काम करता है? कान। सुनना, फिर पढ़ना, शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो सबसे पहले कान ही काम आता है। जब हमारा कान ही काम नहीं कर रहा है, हम पूर्ण रूप से बहरे हैं, तो हमारा ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा, नॉलेज कहाँ से होगा, ठीक है। तो उनको भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे बालकों को, जो बालक बिल्कुल भी जन्म से बहरे हैं उनको भाषा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी जानकारियां हम सुनकर ही प्राप्त करते हैं। जो अनपढ़ गंवार व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो शिक्षित नहीं है, वो सब सुन सुन कर ही ना जानते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, जाते जाते स्कूल तो नहीं जाने लगते हैं, स्कूल जाने से पहले वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां लेकर स्कूल जाते हैं, तो वो सब सुनकर ही ना उसको प्राप्त करते हैं। तो जब हम सुन ही नहीं पाएंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए श्रवण बाधित बच्चों की पहचान कैसे होती है। तो वैसे हम लोग अगर देखें तो श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लिए माता पिता, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बच्चों का अवलोकन करके कराया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चों को हम लोग देखेंगे, हम उसको जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है नहीं। मान लीजिए छोटा शिशु है, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया बच्चा, हम बोलते हैं ना तो वो मेरी तरफ सिर ही नहीं घुमाता है। हम अगर कोई खिलौना बजाते हैं तो वो उस खिलौने की आवाज सुनकर सिर ही नहीं घुमाता, जिससे हमें पता चल रहा है कि वह बच्चा, सुनने की शक्ति उस बच्चे में नहीं है, ठीक है। तो श्रवण बाधित बच्चों की पहचान हम लोग और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर डॉक्टरी वे को अपनाएं तो एक होता है मनोनाड़ी परीक्षण, ठीक है, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि उसके नर्व का, उसके कान के नर्व का चेक करवा के हम यह पता कर सकते हैं कि वह बच्चे में श्रवण शक्ति है या नहीं है, वह सुन सकता है या नहीं है। बालक का एकल अध्ययन, मतलब बालक का
अकेले में अध्ययन करे, बाकी सारे बच्चों के साथ नहीं, बच्चा अकेले खेल रहा है या अकेले कोई काम कर रहा है तो हम उसका चुपके से एकल अध्ययन करें कि बालक किसी बात आवाज को सुनकर या कुछ सुनकर रिएक्ट कर रहा है या नहीं, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि बालक में श्रवण शक्ति है या नहीं। इसके बाद बोल रहा है विकासात्मक मापी, ठीक है, डेवलपमेंट स्केल, इसके द्वारा भी। विकासात्मक मापी का मतलब क्या होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने इन्वायरमेंटल से सुनकर बहुत चीजों को ग्रहण करते हैं, और जब वो सुन के ग्रहण करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो फिर उसको मुख से प्रयोग भी तो करते हैं, जो सुनते हैं वो बोलते भी तो हैं बच्चे, तो हम उसका विकासात्मक मापी मापन करेंगे कि बच्चे का भाषाई शक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा नए नए शब्दों को बोल रहा है या नहीं। तो बच्चा नहीं बोल पा रहा है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान ही नहीं बढ़ रहा है, इस कारण से बच्चा कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरह के से भी हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला बोल रहा है डॉक्टरी परीक्षण, डॉक्टर के पास ले जाके परीक्षण करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे का पहचान करेंगे कि बच्चा जो है सुनने योग्य है या नहीं। देखिए और भी इसमें कुछ दिया हुआ है, हम लोग का श्रवण बाधित बालकों की पहचान संबंधित व्यवहारात्मक लक्षण क्या दिया हुआ है कि वाणी का दोष, क्योंकि वो शब्दों को सही से सुन ही नहीं पा रहा है, उसके पास नए नए शब्द ही नहीं है, वो शब्दों का जानकारी ही नहीं रखता, तो बेचारा बोलेगा ही नहीं कुछ, वो मूक रहेगा, चुप रहेगा, एकदम शांत रहेगा, तो वाणी का दोष हो जाएगा। अन्वेषणों का अनुसरण करने में असमर्थ रहेगा, अन्वेषण कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेगा या कुछ भी चीज अपने एनवायरमेंट में देखेगा तो उन सब चीजों को वो अनुसरण नहीं कर पाएगा, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब मान लीजिए हम लोग अपने एनवायरमेंट में चिड़िया को ही देख रहे हैं, तो चिड़िया के चहचाने की वह आवाज भी तो सुनते हैं, वो उड़ रही है या फिर वो बैठी है, केवल वही नहीं देखते हैं, आवाजों को भी तो सुनाई देता है, ठीक है। बाहर में गाय है चाहे कुत्ता है तो हम लोग उसके आवाज से भी तो उसको पहचानते हैं, तो ये बच्चा ये सब चीज सुन ही नहीं पाएगा, तो ऑब्जर्व कहाँ से कर पाएगा, तो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है। ऐसे बालकों में अवधान की अभाव होता है, अवधान का मतलब किसी भी चीज पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। किसी भी चीज पर अगर उसको बोलिएगा फोकस करने के लिए, अपना ध्यान वहां पे केंद्रित करने के लिए, तो वो बच्चा ध्यान केंद्रित ही नहीं करता है, उसको ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो शब्दों को सुन ही नहीं पाता है, उसके सारे सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से वो अवधान उसके उसमें अवधान की का अभाव रहता है। अक्सर क्या देखा जाता है कि कान बहता रहता है उनका, कक्षा में आवाज सुनने के लिए यंत्रों का वो प्रयोग करता है। जो हम लोग के श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके कान क्या होंगे, बहते रहेंगे, या फिर वो क्या करेगा, मशीन का उपयोग करेगा। वाद विवाद कार्यक्रम में हमेशा वो संकोच में रहता है और पीछे ही रहता है, जब भी कोई डिबेट होगा, स्कूल में कुछ ग्रुप एक्टिविटीज होगी, वह बच्चा क्या रहेगा, पीछे ही रहेगा, ठीक है। अब वाद विवाद हो रहा है, सामने वाला हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, हम सुने नहीं पाएंगे तो उसको आंसर कहाँ से देंगे, तो ऐसे ऐसे चीजों में वो क्या बच्चा रहेगा, वो पीछे ही रहेगा। एक सीमित शब्दावली का प्रयोग करता है, सीमित शब्दावली का प्रयोग करेगा, जो थोड़ा बहुत लिखित रूप में वो सुना है या सुना बोल रहे हैं देखा है और जिसका अर्थ उसको पता है, बस उतने ही सीमित शब्दों का वो प्रयोग करेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, सुन के लेते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं इतने सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इतने सारे वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग क्या सब पढ़ के ही हम लोग को सब नॉलेज हो जाता है, नहीं, पढ़ने से ज्यादा हम लोग को सुन के उसका नॉलेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन बच्चों का जो शाब्दिक जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ही सीमित होती है, लिमिट होती है, क्योंकि जितना वो लिखित रूप में देखे हैं जाने हैं, जो थोड़े बहुत का उनका नॉलेज है, बस उतने ही शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सुनने की शक्ति ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ज्यादा रहता ही नहीं इसी वजह से, ठीक है। अपने सिर को एक तरफ मोड़ कर दूसरे की बात को सुनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अगर श्रवण बाधित दोष बालक है उसको कम सुनाई देता है, तो अगर वो किसी की बात सुनेगा, कोई मान लीजिए बोल रहा है, तो अपने सिर को क्या करेगा, उसकी तरफ मोड़ेगा, अपने कान को उसके पास ले जाएगा, ऐसे बालक, ठीक है, जो सुनने में कम होते हैं, जैसे कि आप अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को देखेगा जिनको सुनाई कम देता है, वो प्राय आप उनसे बात कीजिएगा ना, तो वो अपने सिर को आपके पास ले जाएंगे या फिर कान के पास हाथ रखेंगे, और हाथ रख के फिर आपका बातों को वो सुनने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रकार का व्यवहार भी हमें ऐसे बालकों में देखने को मिलता है।
और इनके कान में भी प्राय हमेशा क्या होता है, दर्द देखने को मिलता है। ऐसे बालकों की दृष्टि बोलने वाले की होठों पर होती है, लिप्स पर, क्योंकि ज्यादातर वो समझ नहीं पाते, उनको सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो वो लिपसिंग को पकड़ना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो लिप्स के ऊपर, उनके होठों के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा रहता है और उसके माध्यम से वो बातों को पकड़ते हैं कि हमको बोलना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमारी पड़ोस में जो थी, ठीक है, हम लोग जब उनसे बात करते थे ना, तो हम लोग मतलब हम क्या बोले, विशिष्ट बालकों की तरह हम भी बात करते थे, मतलब उनसे, क्योंकि बचपन से उनको देखते थे, तो हम लोग उनको हाथों से इशारा करके, ठीक है, ये नहीं, ये ऐसे करके, और जो भी शब्द बोलते थे बहुत धीरे धीरे और लिप्स को दबा दबा कर बोलते थे, तो वो हम लोग के बातों को आसानी से समझ जाती थी कि ये क्या बोलना चाहती है, या फिर हाथों से इशारा करके बताएंगे तो उनको समझ में आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आपके होठों पर ज्यादा ध्यान देंगे, आपके लिप्स पे ज्यादा, आपके लिप्सिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपसे अगर बात करेंगे तो आपके आपकी तरफ सिर झुकाकर या फिर अपने कान पर हाथ रखकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ऐसे बालकों की ये विशेषताएं होती है। तो ऐसे बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूप से जो बहरे हैं ऐसे बालकों को तो हम सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको विशिष्ट स्कूल, और उनके लिए इशारों में बात होती है, ठीक है, इशारे के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। पहले दूरदर्शन पे न्यूज चैनल आता था, और न्यूज चैनल में वीक में एक दिन जो ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है ना, उनके लिए भी न्यूज होता था, उनकी इशारे में वो ऐसे ऐसे करके बताएगी, ठीक है, सामने वाला बोलता है और वो इशारे में ऐसे ऐसे करके बताती थी वो न्यूज। तो एक बार वीक में ऐसा भी न्यूज आता था, ठीक है। तो जो पूर्ण रूप से बच्चे बहरे हैं उनको तो हमको विशिष्ट आवश्यकता वाले स्कूल में ही भेजना है, वो हमारा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो आंशिक रूप से हैं उनको हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं, सबसे पहले तो वो कान के मशीन का इस्तेमाल करके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि हम कक्षा में, ठीक है, वो बच्चे थोड़ा लाउडली सुनते हैं, हम कक्षा में क्या करेंगे, माइक का इस्तेमाल करेंगे, माइक का इस्तेमाल करके हम उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे सकते हैं। माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, हम लाउडली बोलेंगे, उस बच्चे को सभी बच्चों से फ्रंट में सामने बैठाएंगे और लाउडली बोलेंगे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे सकते हैं। और जो पूर्ण रूप से बहरे बालक है ना, उसमें हम लोग का शब्दों का प्रयोग नहीं, ज्यादातर हम लोग को वर्बली भी नहीं बताना चाहिए, ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे लिख कर बताए, ड्रॉ करके बताए, क्योंकि वो देख तो रहे हैं, पढ़ तो सकते हैं, तो वर्बली जो काम हो रहा है, जितना चाहे तो लिमिट में करें, ज्यादातर हम लोग लिखित रूप से उन बच्चों को दिखाएं और बताएं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्या बोले थे, ऑडियो विजुअल, यानी कि अगर हम बच्चे को ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उसमें पिक्चर्स तो देख रहा है, पिक्चर स्टडी तो कर रहा है, उसमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सुन नहीं पा रहा है, लेकिन पिक्चर स्टडी तो कर रहा है, तो इस माध्यम से भी हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। ये आप लोग का क्लियर क्लियर हुआ, कोई इसमें आप लोग को कोई गड़बड़ी जी प्रॉब्लम है नहीं है ना, नो चलिए, नहीं है, बहुत बात है। अब हम लोग लास्ट आते हैं अपंग बालक। एक हम लोग अपंग बालक भी देखे थे ना, क्रिप्ट चाइल्ड, चौथा चौथा हम लोग आखिरी यही पॉइंट था, अपंग बालक, जो कि शारीरिक रूप से क्या है, अपंग है, पोलियो के शिकार हो गए, हाथ नहीं है, ठीक है, वे ऐसे बालक, तो जिन बालकों की अस्थियों में दोष होता है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण शरीर का संचालन प्रभावित होता है इससे, हाथ नहीं है, ठीक है, किसी किसी का, किसी का पैर में पोलियो मार दिया है या पैरालिसिस है, ऐसे बालक, उन बालकों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपंग बालक कहेंगे। अपंग बालकों को किस तरह से शिक्षा और समायोजन देनी चाहिए, तो विद्यालय स्तर पर उनके उठने बैठने और सीढ़ी चढ़ने की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। अब अपंग है, जैसे कि ईशान मूवी, हम लोग तारे जमी पे मूवी देखे थे, उसमें ईशान का जो फ्रेंड था वो अपंग ही न था, वो व्हील चेयर पे जाता था, तो अगर ऐसे बालकों को कक्षा में बेंच पे बैठने में दिक्कत हो रही है, तो हमको उसको स्पेशल एक डेस्क बना के देना होगा, ताकि वो बच्चा व्हील चेयर पे ही बैठे बैठे अपने डेस्क पे
स्टडी कर सके। और मान लीजिए क्लासरूम उसका सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो बच्चा सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? तो ऐसे बालकों के लिए हमें ऊपर चढ़ने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर स्कूल में व्यवस्था हो सके तो लिफ्ट की व्यवस्था कीजिए, और नहीं तो सीढ़ी चढ़ने के अलावा सीढ़ी चढ़ने के उपयुक्त और जो प्लेन वाला होता है वैसी व्यवस्था कीजिए, ताकि वो बच्चा ऊपर जा सके और आ सके। ठीक है, तो विद्यालय पर ऐसे अपंग बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है कृत्रिम अंगों और विशेष उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए। अगर बच्चा पैर से लाचार है, हाथ से लाचार है, तो हम लोग के कृत्रिम अंग आते हैं ना, उस कृत्रिम अंग का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपने पैर पे चल सके। विशेष ध्यान तथा प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसे बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इनको थोड़ी सी किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो इनको स्पेशल केयर, ऐसा कुछ शब्द नहीं इनके सामने बोलना चाहिए या नहीं प्रयोग करना चाहिए जिससे इनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेता है, इनको बुरा लग। ठीक है, तो बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही ध्यान से इन बच्चों का हम लोग को क्या करना चाहिए, व्यवहार करनी चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं उनके अनुकूल यांत्रिक खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चा अपंग है, बच्चा लंगड़ा है, चाहे हाथ से चल नहीं सकता है, अब हम गेम ऐसा रख रहे हैं, हम 100 मीटर का दौड़ वाला रेस रखती है, वो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, उसका फिर से तो मनोबल डाउन हो गया। ठीक है, तो हमको गेम भी ऐसा रखना है जिसमें वो बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर जाए। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के हकदारी होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा ले सकते हैं हम। ठीक है, सामान्य बच्चों के की आवश्यकताओं का भी कभी ध्यान में रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बच्चे की आवश्यकता को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम वहां पे 100 मीटर का रेस दे रहे हैं, तो हम ऐसा भी एक खेल देंगे जिसमें ये बच्चा भी बाकी सब बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ऐसे बालकों को विद्यालय स्तर पर उनकी सामर्थ्यता के अनुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम लोग का शॉर्ट हैंड है या कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चे ये सब काम में ही निपुण होंगे ज्यादातर। कंप्यूटर चलाना सिखाना चाहिए, ठीक है, या फिर टाइप राइटिंग सिखाना चाहिए, ये सब बच्चों को ये सब चीजों में ज्यादा विशेष रूप से हम लोग को इंटरेस्ट पैदा करवानी चाहिए, ताकि बच्चा सीख कर अपने आगे के फ्यूचर के लिए व्यवसायिक कुछ कार्य करने के लिए भी कुछ जान सके। ठीक है, ये था हम लोग का अपंग बालक। अब देखिए इसके बाद क्या था, सामाजिक रूप से असाधारण बालक, ये भी तो हम लोग का था ना, सामाजिक रूप से असाधारण बालक। तो ऐसे बालक जो समाज के लिए क्या है, परेशानी उत्पन्न करे, जो परिवार के लिए परेशानी उत्पन्न करे, ठीक है, जो अपने शिक्षक के लिए परेशानी उत्पन्न करे, ऐसे बालक जो है हम लोग के सामाजिक रूप से असाधारण बालक या विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सामाजिक परंपराओं, विचारों, मान्यताओं के प्रति ऐसे बालक जो विद्रोह करते हैं, बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो समाज के नियमों को, कानूनों को नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की बातों को नहीं मानेंगे, टीचर जो बोल रहा है वो नहीं करेंगे, टीचर का सिर फोड़ के कहीं भाग गए, तो वो सब बालक क्या है, वो सब बालक क्या है, समाज के लिए समस्यात्मक बालक। ठीक है, तो ये सब बालक को सामाजिक रूप से कुंभ समायोजित बालक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आ जाएंगे, इसके अंतर्गत हम लोग के 4 बालक आ जाएंगे। एक होता है अपराधी बालक, दूसरा होता है समस्यात्मक बालक, तीसरा होता है वंचित बालक, और चौथा होता है पिछड़ा बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। ये हम लोग का टॉपिक था ना जी मैम, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, चलिए पहला था हम लोग का अपराधी बालक। अपराधी बालक जन्म लेते तो बच्चा अपराधी बन नहीं जाता है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ ना कुछ वैसे माहौल उसको मिले होंगे, तब तो बच्चा अपराधी बना होगा। ठीक है, तो देखिए अपराधी बालक कैसे बालक होते हैं। अपराधी बालक होता है हम लोग का जो होता है हम लोग का सामाजिक, हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, समाज ही हमें बनाता है, समाज ही हमें बिगाड़ता है। ठीक है, तो समाज में रहकर वह सार्वजनिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों, नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। जो जो समाज के नियमों को मान रहे हैं वो सामाजिक बालक है, लेकिन जो समाज के नियमों का विरोध कर रहे हैं, पानी कहाँ से, गर्म पानी नहीं, गर्म पानी ठीक है। तो जो बच्चे समाज के नियमों को, कानूनों को, आदर्शों को नहीं मानते हैं, उसका विद्रोह करते हैं, उन सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं, वैसे बालक क्या हो जाएंगे, अपराधी बालक के ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे बालक
इनका क्या होगा, आचरण जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा, तो अपने बड़ों से अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, समाज के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बालक जो होते हैं हम लोग के कौन से बालक कहलाते हैं, अपराधी बालक, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, अपराधी बालक जन्म से नहीं हो जाते, या फिर माता के पेट में पेट से ही अपराधी नहीं बन गया, उसकी घर की पारिवारिक स्थिति वैसी होगी, या फिर घर में बहुत ज्यादा कलह होगा, या फिर घर का वातावरण वैसे होगा, या फिर कक्षा में उस तरह के उसके साथ बिहेव किया जाता होगा, या फिर समाज या सोसाइटी के लोग भी उसके साथ वैसा बिहेव करते होंगे, जिसकी वजह से वो इस मार्ग पे चला जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्या है कि ऐसे बालक प्राय जो है संकालु स्वभाव के होते हैं, बहुत सखी स्वभाव के होंगे, आप पे कभी भी बिलीव नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे कि मेरा मोबाइल रख, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शंका रहेगी कि नहीं, क्योंकि वो खुद दूसरे का सामान चुराते हैं, ठीक है, दूसरे के सामानों को चोरी करते हैं, ये करते हैं, तो उनको दूसरे पे कभी भी विश्वास नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, प्राय संकालु स्वभाव के होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द दिया है कि संकाली अपराधी बालकों का शारीरिक संगठन प्राय सुदृढ़ और गठीला होता है, मतलब ये गठीले बदन वाले होते हैं, मतलब इनके मसल्स, जैसे कि सलमान खान मसल्स सिक्स पैक बना होता है ना, कहने का मतलब यही है कि इनका शरीर जो सुडौल और गठीला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है अपराधी बालक, ठीक है। ऐसे बालक स्वभाव से आक्रामक होते हैं, उग्र होते हैं और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। हाँ, ऐसे बालक स्वभाव से क्या होते हैं, बहुत ही आक्रामक होते हैं, तुरंत तुरंत गुस्से में आ जाए, उग्र स्वभाव के होंगे और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होंगे, मतलब इनका संवेग जो है किसी भी इमोशंस के प्रति ये एक जगह स्थिर होकर काम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई डेथ कर गया, कुछ हो गया, इनका इमोशन जो है बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बालक माता पिता विद्यालय शिक्षक कर्मचारियों के प्रति अपेक्षित या फिर असम्मान का दृष्टिकोण अपनाते हैं, मतलब कोई भी इनको अच्छा नहीं कहता है, चाहे वो उनके टीचर हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे सोसाइटी के पर्सन हो, आस पड़ोस के लोग हो, सबकी दृष्टि में ये बच्चे क्या होते हैं, बदमाशी कहते, ठीक है। ऐसे बालकों को स्नेह और प्रेम का गुण दूसरों के प्रति कम होता है, जैसे कि मान लीजिए रोड पे कुछ इंसिडेंट हो गया या कुछ घटना, मान लीजिए हम हमसे किसी दूसरे को टक्कर लग गया, तो हम बोलेंगे कि ओ सॉरी क्या हो गया, चोट लग गई, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चों में ना दूसरों के प्रति स्नेह या दया का भाव जो है बहुत कम होता है, धक्का मारेंगे और बोलेंगे तुम्हारा ही गलती है, तुम आप ही को 4 गाली दे देंगे और 4 गाली दे के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बालक जो होते हैं क्या होते हैं, इनको दूसरों के प्रति स्नेह और प्यार का भाव कम होता है, नैतिकता का भी अभाव होता है, दूसरों से कभी अच्छा आचरण ही नहीं करेंगे, इनका मोरल जो होता है एकदम ही डाउन होता है, बड़े हैं बुजुर्ग हैं जो भी हैं हम उम्र हैं अपशब्द का प्रयोग कर देंगे के साथ भी, बात बात पर गाली दे देंगे, तो ये सारे बालकों की ये पहचान हम लोग की होती है, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपराधी बालक। अब देखिए बाल अपराध का कारण क्या है, ये बच्चे जो हैं अपराधी बनते कैसे, तो कुछ जैविक कारण से अपराधी बनते हैं, ठीक है, कुछ बालक जो है जैविक कारण से अपराधी बन गए। जैविक कारण का मतलब, जैविक कारण में क्या आ जाएगा, मतलब हेरिडिटी के अनुसार उसके फादर भी वैसे ही थे, उग्र स्वभाव के थे, झगड़ालू थे, या फिर उसकी माता भी उसी स्वभाव की थी, उग्र स्वभाव की थी, झगड़ालू थी, तो उसकी हेरिडिटी जो है बच्चे में ट्रांसफर हो गई, बट ट्रांसफर होने के कारण बच्चा भी उसी स्वभाव का हुआ, और माता पिता का माहौल भी उसको वैसा ही मिला, झगड़ा करने वाला, बच्चा उस प्रकार का अपराधी स्वभाव का हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छे बच्चे को भी क्या करती है, बिगाड़ देती है। अब बच्चा जो है जन्म से तो अपराधी हुआ नहीं, आर्थिक बहुत तंगी है, खाने की दिक्कत है, ये दिक्कत है, अब मजबूरी बस वो बच्चा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है, दूसरों के साथ अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, अब चोरी कर रहा है, कोई इसको पकड़ के पीट रहा है तो गुस्से में उसको अपशब्द बोल रहा है, तो इस प्रकार से बच्चा जो है अपराध के मार्ग पे चल जाता है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति बच्चों के अपराधी बनने का बहुत बड़ा कारण होती है। घरेलू अनुशासन, बहुत ज्यादा बच्चे को रिस्ट्रिक्शन पे रखिएगा, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इसके साथ नहीं खेलना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो भी बच्चा जो है क्या होता है, अपराध का मार्ग अपना लेता है। तो बच्चों पर कभी भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसको भी आजादी देनी चाहिए, ठीक है।
जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पाबंदी में रखते हैं, प्राय देखिएगा उसके बच्चे जो है बिगड़ ही जाते हैं। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि जो पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं, इस लड़के से नहीं मिलना है, उधर नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, प्राय उसकी लड़की भागकर शादी कर दे, ऐसा देखा गया है, प्राय ऐसा देखा गया है। इसीलिए बच्चों पर कभी भी इतना ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। घर के बाहर गलत संगत, अब गलत फ्रेंड सर्कल के साथ आ गया, फ्रेंड सर्कल ऐसा है, क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था में हम लोग का जो उत्तर बाल्यावस्था होता है और किशोरावस्था जो होता है, इसमें बालक को अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इतना ज्यादा उसमें बिलीव होता है कि वो जो बोलते हैं बच्चे वो करते हैं, तो अगर गलत संगत पड़ गया तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब वहां पे बच्चे उसके फ्रेंड सर्कल वाले जो है स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चा भी वो करेगा, चोरी कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, बच्चा भी वो करेगा, क्योंकि उसको उन्हीं के बीच रहना है, क्योंकि उस स्टेज में बच्चों को वही सबसे ज्यादा भाता है, वही सबसे ज्यादा उनका सबसे प्रिय पर्सन होता है, तो बच्चे उसी से सीखेंगे और वही चीज वो भी अपनाएंगे। माता पिता द्वारा तिरस्कार, अगर माता पिता बच्चे का आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसको बात बात पे डांट रहे हैं, डकार रहे हैं, बात बात पे उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तुमसे तो अच्छा वो है, वो 100% मार्क्स लाता है, तुम गधा है, तुम घोड़ा है, तुम ये है, तुम वो है, तुम बच्चा मार्क्स कम लाया, उसको 4 बार सुनाया गया, उसको डांटा गया, बोला गया, तो बार बार अगर बच्चे को हम तिरस्कार करेंगे, उसको बार बार हम लोग डांटेंगे डकारेंगे, तो भी बच्चा जो है अपराध के मार्ग पर चला जाता है। ठीक है, अवांछित संबंध, गलत लोगों के साथ संबंध हो गया तो भी बच्चा गलत राह पर चला जाएगा। स्कूल का दोषपूर्ण माहौल और वातावरण, ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। बहुत से टीचर ऐसे हैं कि स्कूल का वातावरण और माहौल ऐसा बना कर रखते हैं कि मतलब कुछ एक जो होनहार स्टूडेंट्स है ना, उसको क्लास का लीडर बना दिए और सब पे दबंग दबंगई करने लगे। ठीक है, एक टीचर्स को एक बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे, बहुत से मास्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको वो नापसंद करते हैं, उसे बार बार क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आंसर देने पे उसको मारेंगे, पीटेंगे, क्लास के बाहर कर देंगे, उसके साथ अपशब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्कूल का दोषपूर्ण माहौल जो होता है, यह भी बच्चों के लिए क्या होता है, अब बच्चा का स्कूल का दोषपूर्ण माहौल है, बच्चा स्कूल जाना ही पसंद नहीं करेगा, बच्चा कुछ सीखना ही पसंद नहीं करेगा, तो बच्चा जब शिक्षा ही नहीं ले रहा है तो बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब बच्चा जब स्कूल नहीं जाना पसंद कर रहा है, शिक्षा लेना नहीं पसंद, तो माता पिता से भी उसको डांट पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चा जो है अपराध के मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो अपराधी बालकों के लिए हमें शिक्षा और समायोजन कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, दे रहा है निरोधात्मक प्रविधियां और एक होता है हम लोग का रोग नाशक प्रविधियां। ठीक है, पहला होता है प्रिवेंशनल, ठीक है, मेजर्स, और दूसरा होता है हम लोग का क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है, यानी कि निरोधात्मक, और एक होता है रोग नाशक। दोनों में अंतर होता है, निरोधात्मक और रोग नाशक, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यहां से अभी हम स्टार्ट करते हैं, पिछड़े बालक होने के बाद आज हम आप लोग को इस वीडियो, हाँ पढ़ना जरूरी है, पर वो भाई को उसकी भी नहीं भेजेगा ना, नहीं हम भेज, मेरा स्कूल बंद हो गया है। मैम हाँ बोलिए। हाँ, हम लोग को भी नोट्स चाहिए मैम, नहीं मिला है। हम आप लोग को भी भेजेंगे, हम मनीष सर को ही भेजेंगे, आप लोग के पास चला जाएगा। आप लोग को प्याजे जी वाला नोट्स मिला है? अभी तक कोई नोट्स नहीं मैम। प्याजे जी वाला तो हम भेज दिए थे, प्याजे जी वाला तो हम भेज दिए थे, लेकिन आप लोग को तो हम व्हाट्सएप में भेजे थे पर्सनली। अभी तक मैम 10 टॉपिक हो चुका है मैम। 10 टॉपिक नहीं हुए निशांत जी? मैम हमको तो लिखे ठीक हैं है, मैम, आप 10 टॉपिक आपका, 10 टॉपिक नहीं हुआ है, मतलब टॉपिक, मतलब हाँ हम मैम अपना टॉपिक ही बोल पर्सनली रहे ग्रुप बना देंगे, तो हमारे बीच में हैं। मीडिएटर है ना, हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बात करते तो डायरेक्ट हम आप लोग का परसों टेस्ट नहीं ले रहे थे, हम अपने तरीके से। प्लीज प्लीज
हम बात करते हैं, आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग के वर्कशॉप प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। हम प्याजे जी वाला बहुत पहले भेज चुके हैं आप लोगों को, इन लोगों को भी भेजे थे, इन लोगों का नहीं जा रहा था तो हम प्रश्न इन लोगों को व्हाट्सएप में भेजे हैं। फिर आप लोगों का भी शायद नहीं जाता होगा, हम बोलेंगे आज इनको, अगर नहीं जा रहा है क्योंकि रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं जा रहा है तो पर्सनली व्हाट्सएप में भेज दे, और नहीं तो आप लोग हमको अपना पर्सनली नंबर दे दे तो हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, फिर बोलेंगे कि मैम हमको 20 से हटा दी। चलिए, निरोधात्मक प्रविधियां क्या है पहले वो जानते हैं, आप लोगों को सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं वहां से मिलेगा तो हमारे तरफ से मिल जाएगा, टेंशन। कि इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, पियाजे जी का जितना भी थ्योरी है वो सब पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहिए। निरोधात्मक प्रविधियां बोल और रहा है, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। एक क्या बोले मैम? निरोधात्मक और एक एक था निरोधात्मक हम लोग की प्रविधियां, और एक है हम लोग का रोग नाशक प्रविधियां, ठीक है। रोग नाशक, निरोधात्मक का मतलब हो गया, दोनों को ऐसे पहले मेरे बात मेरे लैंग्वेज में समझिए। निरोधात्मक का मतलब हो गया कि बच्चा जो है अभी बुरे राह पर जा रहा है, अपराध की प्रवृत्ति अपना रहा है, तो हम उसको स्नेह से, प्यार से, पुचकार कर, ठीक है, कुछ विधियों का अपना कर बच्चे को हम उस राह पर जाने से ही रोक दिए। यानी कि हम बच्चे को गलत संगति में पड़ने से, गलत राह पर जाने से पहले ही उसको क्या किए, रोक दिए। और हम लोग का निषेधात्मक का मतलब होता है कि बच्चा बीमार पड़ गया है, अब हमको क्या करना है, उसको मेडिसिन दे के ठीक करना है। वहां पे क्या है, वो बीमार पड़ रहा है, और बीमार पड़ने के पहले ही हम उसको क्या किए, उसका क्योर किए, उसका बहुत अच्छा से ध्यान रखे, ठीक है, तो बच्चा बीमार ही नहीं पड़ा, बीमार पड़ने उसको हम बीमार पड़ने ही नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, बच्चा बीमार पड़ चुका है, अब हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, इसके बाद बच्चा ठीक हो रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों में ये अंतर। तो देखिए, निरोधात्मक प्रविधियां में होता है कि प्रविधियों जिसमें ध्यान में रखने के किसी बालक को अपराधी बालक बनने से रोका जा सके, मतलब हम उस पर ध्यान रखेंगे कि वह बालक की संगति कैसी है, कैसे लोगों के साथ उसकी संगति है, उसका हाव भाव कैसा है, उसके व्यवहार कैसे हैं हमारे प्रति या हमारे बड़ों जनों के प्रति या टीचर्स के प्रति, उसका बिहेवियर कैसा है, उससे हमको पहचान में आ जाएगा कि ये बच्चा गलत मार्ग पे जा रहा है। तो हम उसको जाने से पहले ही क्या कर देंगे, बच्चे को रोक देंगे, स्नेह से, प्यार से, पुचकार कर, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हर एक मार्ग से, बहुत सारे तरीके हैं, हम बच्चे को गलत संगति में पड़ने से ही रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रवृत्तियों का पर मुख्य विश्वास क्या होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उसको बीमार पड़ने के बाद इलाज करें, उससे पहले ही हम उसको उस मार्ग पर जाने से रोकेंगे। जब हमको पता चल गया कि बच्चा का संगति बिगड़ रहा है, बच्चे की आदतें खराब हो रही है, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो हम उसी समय बच्चे का बच्चे से केयर करेंगे, उसका हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसके साथ स्नेह से, प्यार से बात करेंगे, उसकी बातों को, उसके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बच्चा उस राह गलत राह राह पर जाएगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में क्या है कि इन प्रविधियों के समर्थकों का विश्वास क्या है कि किसी बालक को अपराधी बनाकर फिर उसके सुधार लाने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि उसे अपराधी बनने से ही रोका जाए। बच्चा अपराधी बन गया और इसके बाद हम उसका अपराधी बनने के बाद उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम उसको अपराधी बनने से ही पहले रोक दें, ठीक है। तो देखिए, निरोधात्मक प्रविधियों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। पहला क्या है, माता पिता का स्नेह और ध्यान। माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छे से स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, उसका ध्यान रखे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है, तो बच्चा किसी गलत मार्ग पर जाएगा ही नहीं। उस निरोधात्मक को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशनल, प्रिवेंशन यानी कि बचाव, ठीक है। उचित इच्छाओं की पूर्ति करे, उचित इच्छाओं की पूर्ति का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो डिमांड हमसे कर रहा है, जब डिमांड कर रहा है, 12 बजे रात को बोल रहा है समोसा खाना है, तो 12 बजे रात को समोसा हम खरीदने के लिए निकल पड़े, नहीं, उसके जितनी हम लोग की उचित आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उसी की पूर्ति करेंगे, हर बात की पूर्ति करेंगे, हर उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, तो बच्चा जिद्दी हो गया तो आपके सिर पे चढ़ के नाचेगा, उतना भी नहीं करना है,
उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो कि रिक्वायरमेंट जो उसके लिए आवश्यक है, वही आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हर इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। ठीक है, हर इच्छा की पूर्ति करेंगे तो बच्चा जिद्दी हो गया, तो भी बच्चा बिगड़ रहा है। हम उसके हर एक बात को मान रहे हैं, हर एक बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भी बच्चा बिगड़ रहा है। ठीक है, और नहीं भी आवश्यकता की उसकी पूर्ति कर रहे तो भी बच्चा बिगड़ रहा है। तो हमें उसके जितनी जरूरतें हैं बस उसी जरूरतों की पूर्ति करनी है, हद से ज्यादा की पूर्ति नहीं करनी है। उचित घरेलू वातावरण, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए। बच्चे को बार बार, बच्चे को सबसे पहली चीज तो कभी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका बच्चा तो देखो फर्स्ट आता है, तुम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, खाली घर में बैठ के खाता है, ये सब बहुत गलत चीज होता है। ठीक है, उसका बच्चा को देखो वो गिटार भी सीख रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, क्लास में फर्स्ट भी आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हारे में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं है, तो ये सब चीज कभी भी नहीं करना चाहिए। घर का वातावरण बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, घर में कलह नहीं होना चाहिए आपस में, माँ बाप चाहे घर वाले जो आपस में लड़ते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, आप उसको जो सिखा रहे हैं वर्बली बोल के सिखा रहे हैं उससे वो ज्यादा नहीं सीखते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं। बच्चे आप दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, आप दूसरों को कैसे किस शब्द में बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, बच्चा उसको ज्यादा ऑब्जर्व करता है। आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, और आप उसके सामने दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, उसको उसको गाली दे रहे हैं, ठीक है, उसको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो बच्चा आप जो बोल रही है ना वो उसको ज्यादा फॉलो नहीं करेगा, आपको वो जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो ज्यादा फॉलो करेगा बच्चा। इसीलिए घर का माहौल जो होता है उचित रहना चाहिए, बच्चों के सामने तो कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आज नहीं तो कल। आज वो आपके डर से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जो चीजें वो सीख रहा है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है, और वो कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर में वो शामिल कर लेगा, उसको अपने व्यवहारों में उसको शामिल कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वे घर का वातावरण ठीक रखे तथा बालकों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर झगड़ा करना है तो मैदान में चले जाए, बाहर निकल जाए, बोले कि चलो बाहर घूम के आते हैं, जाके झगड़ा करते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि शराब सिगरेट इत्यादि का प्रयोग बालकों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप करेंगे, बच्चा आपको देख के वो भी करेगा। ठीक है, शुरुआत में छुपके से करेगा, बाद में सामने बैठ के करेगा, लेकिन करेगा ना। आवश्यकता से अधिक किसी पुत्र या पुत्री को प्यार दे और ना ही उनका तिरस्कार करे। बहुत ज्यादा पुचकार भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्नेह दुलार भी नहीं, और बहुत ज्यादा तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की अति जो होती है वह अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति, जैसे कि कहते हैं ना कि सीता बहुत सुंदर थी, वो सुंदरता मतलब अति अति सुंदर थी, तो अति भी किसी चीज का क्या होता है, खराब होता है। ना ही हमें बहुत ज्यादा उसको स्नेह देना है और ना ही बहुत ज्यादा तिरस्कार करना है। हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना उसको करना है। जहां तक संभव हो पुत्र तथा पुत्री के साथ समान व्यवहार करें, लड़का लड़की में भेद ना करें, यहाँ पे लैंगिक भेदभाव ना रखें। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो घर में बालकों के सामने एक आदर्श माता पिता का मॉडल हमें बनाकर रखना है, भले बाहर में जाकर लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने आदर्श माता पिता बनना है। ठीक है, आगे बोल रहा है उचित घरेलू अनुशासन, ऐसा नहीं कि प्रॉपर बैलेंस, होम बैलेंस बना के रखना है घर का में अनुशासन, ऐसा नहीं है कि तुम 8 बजे सो के उठ रहा है, 10 बजे सो के उठ रहा है, कोई बात नहीं, एक अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, इतने बजे तुमको स्टडी करना है, इतने बजे तुमको फ्रेश हो जाना है, इतने बजे तुमको खेलने जाना है, एक अनुशासन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्नेह और प्यार भी होना चाहिए। उचित शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, स्कूल का उचित वातावरण होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हम खुद जा रहे हैं, अभी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद हम जब गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने, तो हम वहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, तो उस माहौल को देखकर हम दंग रह जा रहे हैं कि टीचर्स कैसे बच्चों से बात करते हैं, अरे तरे करके। हम लोग कभी इस तरह से बात नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में। एक तो आपको इंग्लिश में स्पीक करना है बच्चों से, ठीक है, और हिंदी में बोल भी रहे हैं तो आप करके बोलिए, बच्चों को भी सम्मान चाहिए। बच्चे हमसे छोटे हैं तो इसका मतलब कि हम उनसे अरे तरे, तुम कहाँ से आया है रे, तेरा बाप क्या करता है, ये सब शब्दों का कभी भी व्यवहार। इसीलिए आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं कम कमाते हैं, ठीक है, वहां पे स्टडी भी नहीं होती है। अभी हम लोग गए हैं ना, हम लोग पारा टीचर बन के रह गए, सारा क्लासेस तो हम ही लोग लेते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, तो
इसीलिए पेरेंट्स जो है कम कमाते हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं। वहां पे बच्चों का माहौल अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चा अच्छा वातावरण में रहता है, अच्छी चीज सीखता है। अब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा निकलेगा तो चार तो गाली देते हुए रोड पे जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर का बच्चा निकलेगा तो वो वेल मेंटेन रहेगा, एकदम डिसेंट दिखेगा, आपको देखने में ही फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सरकारी सहायता गवर्नमेंट एड भी मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को, मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ फंड वंड होना चाहिए ऐसे बच्चों के सुधार के लिए जो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों की भी भूमिका होती है। ठीक है, सरकार की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए, इसके बाद हमारा हम लोग का सामाजिक संगठन जो है उसकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, इतना इतना समझ में आया आप लोग? नहीं अभी छह नहीं, अभी टाइम है, अब इसमें और बहुत, अभी आज आज आप लोग को 2 घंटे पढ़ाएंगे। हाँ हर दिन। आप लोग का छुट्टी कब से हो रहा है, विंटर वेकेशन? हम तो पास आउट है मैम। गायत्री जी, पूजा जी, मैम छुट्टी सुना गया, हम लोग का भी क्लास नहीं हो रहा। आप लोग का क्लास नहीं हो रहा है? हम लोग का भी नहीं हो रहा। छुट्टी हो गया है? यस मैम। ठीक है, हम देखते हैं। कल आप लोग शाम को 4 बजे ही जुड़िएगा, कल हम आप लोग को बताएंगे कि ईवीएस का क्लास हम लोग को कब करना है। ठीक है, ईवीएस का क्लास हम लिंक से करवाएंगे, घर से करवाएंगे, तो ईवीएस का क्लास कब करवाना है हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है कल, लेकिन कल आप लोग शाम को 4 बजे ही जुड़िएगा, क्योंकि हम अपने ऑटो वाले से बात करेंगे टाइम चेंज करने के लिए इसके बाद। चलिए आगे देखिए, इतना तक अभी जो बताएं क्लियर हुआ ना? जी मैम। आगे देखिए, बोल रहा है कि ये सारे जो है, ये सारे साधनों का प्रयोग करके हम अपराधी बालक को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपराध के मार्ग पर जाने से पहले ही उसको हम रोक लेंगे। ठीक है, तो अपराधी बनने से रोका जा सकता है। क्या क्या है हम लोग का, बहुत सारे कारण दिए गए हैं। सबसे पहला कारण है आदर्श राजकीय स्कूल की व्यवस्था, यानी कि हम लोग जो अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है, टीचर जैसे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बच्चे भी वैसे ही लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे एक आदर्श स्कूल में बच्चों को डाला जाए जहाँ का माहौल अच्छा हो, जहाँ पे टीचर उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि गरीब तथा तेज छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो बच्चे गरीब हैं, ठीक है, जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, उनके लिए, क्योंकि वो गरीब हैं, फाइनेंशियली उनका प्रॉब्लम है, तो वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं, चाहे बस बच्चे शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में है ना 5वीं तक निःशुल्क शिक्षा, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि गंदे और अश्लील चलचित्रों को देखने पर प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत से ऐसे मूवीज हैं, वो सब पे भी क्या क्या हो गया, क्या हो गया, रो रही है, जाइएगा, जाइए कनेक्ट कर लीजिए और सुनते सुनते जाइए यहाँ से। तो गंदे और अश्लील चित्रों को देखने से भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, लावारिस बालकों की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो लावारिस, ठीक है, जो देखिएगा आप बाजार में जाइएगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, खाते पीते रहिएगा तो आके मांगने लगते, तो ऐसे बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको भी एजुकेशन का राइट है। परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान, ताकि माता पिता अधिक संतान पैदा न कर सके तथा उनके घर की आर्थिक स्थिति दुर्बल न हो। ठीक है, इन सब का भी नॉलेज पेरेंट्स को भी देनी चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है हम लोग का, पहले हम लोग क्या पढ़े, निषेधात्मक प्रविधियां, अब हम लोग पढ़े हैं रोगनाशक प्रविधियां। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, रोगनाशक, यानी कि अब बच्चा क्या है, बीमार पड़ चुका है, यानी कि बच्चा अपराधी बन चुका है, अब हमको क्या करना है, उसको सुधारना है। ठीक है, तो रोगनाशक प्रविधियां में हम लोग को क्या देखना है कि इसके माध्यम से बालकों के अपराधी हो जाने पर उसके अपराध में सुधार करने की कोशिश की जा रही। ठीक है,
बच्चा अपराधी बन चुका है, अब हमको क्या करना है, उसको अपराध के मार्ग से वापस लेकर आना है। तो इसके लिए भी बहुत सारे हम लोग के नियम है, क्या दिया है कि बाल अपराध न्यायालय तंत्र, ठीक है, क्या है, बाल अपराध न्यायालय तंत्र, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रकार का हम लोग का संस्थान होता है जहाँ पे ऐसे अपराधी बालकों को रखा जाता है, उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनका माइंड जो है चेंज करने की कोशिश की जाती है कि वो जो किए हैं वो गलत किए हैं, वैसा उनको लाइफ में दोबारा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि मनोगति विधियां, साइकोलॉजिकल मेथड, यानी कि जो हम लोग के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे बच्चों को उन साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, वो उनके माइंड को क्या करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके माइंड को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे कि तुम जो गलत राह पे जा रहे हो या गलत संगत में पड़े हो, वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आएगा। मतलब बहुत तरीके से बच्चों को वहां पे सिखाया और समझाया जाता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग का बोल रहा है व्यवहारात्मक विधियां, उनके व्यवहार में, उसके व्यवहार को हम पहले क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, जानेंगे कि बच्चा किस किस तरह की हरकतें करता है, फिर हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब उसको एक तरीके से अन्य बच्चों के साथ, अपराधी बच्चों को क्या किया जाता है, अपराधी बच्चों को एक अलग रूम में रखा जाता है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे अपराधी बच्चों को सुधारने के लिए एक अलग संस्था की व्यवस्था की जाती है, वहां पे केवल अपराधी बच्चों को रखा जा रहा है, वो किस प्रकार के दोष है, वो कैसी हरकतें करता है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसको धीरे 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 उसका माइंड डाइवर्ट किया जाता है, उसके उसको अच्छी आचरण सिखाया जाता है, उसको अच्छे व्यवहार सिखाए जाते हैं, और वो बच्चा धीरे 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 अपने अपराध, क्योंकि वो तो बच्चा है ना, टीनेजर है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने सही मार्ग पर आ जाएगा, सही चीजें सीख जाएगा, तो वहां पे उनको टाइम लगता है, लेकिन वो बच्चा धीरे 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 क्या होता है, सही चीजों को पकड़ने में सफल हो जाता है, ठीक है। जुवेनाइल कोर्ट का आप लोग पढ़े हैं, जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम, जुवेनाइल नो कोर्ट सिस्टम, यानी जो छोटे बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, छोटे बच्चों को जो, हाँ, बाल सुधार गृह, बाल अपराध न्यायालय तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। वहां पे मान लीजिए छोटे बच्चे के साथ कोई अपराध हो गया, ठीक है, तो वो जुवेनाइल कोर्ट में ही बच्चों को रखा जाता है, ताकि बच्चे जो है जो अपराध किए हैं उस अपराध के प्रति उसको बताया जाए कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, उसको माइंड को वहां पे पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसको सही राह पे ले जाया जाने की कोशिश की जाती है जुवेनाइल कोर्ट के अंदर। और उसमें प्राय ऐसे अपराधी बच्चे ही होते हैं जो कुछ, कोई चोरी करके आए हैं, कोई डाका डालकर आए हैं, कोई कुछ करके आए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का निर्भया केस कांड हुआ था ना, जिसमें जो सबसे छोटा जो हम लोग का अपराधी था, वो जो था वो अभी टीनेजर में ही था, वो मात्र 16 से 17 साल का था, उसको फांसी हुआ, उसको फांसी नहीं हुआ, उसको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया, बाल सुधार गृह घर में उसको भेज दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को, जो हम लोग के बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, वो अभी टीनेजर में है, वो अभी बच्चे हैं, उनको जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है, और वहां पे उस बच्चों को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है, उनका माइंड डाइवर्ट किया जाता है, और इसके बाद फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उनके साथ ही साथ उनको व्यवसायिक काम भी सिखाया जाता है, उनको वहां पे स्टडी भी करवाई जाती है, क्योंकि उनका पढ़ने लिखने का समय है ना, तो उनको वहां पे स्टडी भी करवाई जाती है, ठीक है। उनको साइकोलॉजी के पास ले जाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है उनका माइंड को पढ़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या विकार है, उन सब चीजों को उसका दूर किया जाता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ उनको कोई व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है कि जब वो वहां से निकले तो कुछ ना कुछ व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सके, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सके। ये सारा हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सब प्रावधान बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक बोल रहा है पुनर्वास विधि, रिहैबिटेशन मेथड, ठीक है, इसको कहते हैं पुनर्वास विधि, रिहैबिटेशन मेथड। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें अपराधी बालकों को एक ऐसे मानवीय वातावरण में रखा जाता है, मतलब वहां पे जो भी पर्सन होंगे जो उनको, उनके साथ उनको स्टडी करवा रहे हैं या फिर उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो उनके साथ बहुत ही मतलब स्नेह से, प्यार से, संवेदनशीलता के साथ उनके साथ व्यवहार करेंगे, ठीक है। जहां उनमें स्वतः ही अपराध न करने की प्रेरणा, अपराध करने की प्रेरणा से तीव्र होने लगी, मतलब उनके मन में खुद ही ऐसा भावना आने लगेगी कि हम जो अपराध किए ना वो गलत है, अब हमको ये लाइफ में दोबारा कभी नहीं करना है,
उनको वहां पे वैसा माहौल दिया जाता है, उनके साथ वैसा ट्रीट किया जाता है कि बच्चे के अंदर अपराध की भावना अपने आप खत्म होने लगती है। ठीक है, इसको कहते हैं पुनर्वास विधि, रिहैबिलिटेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अध्यापकों को पता चलता है कि जब अपराधी बालकों को पुनर्वास घरों में रखा जाता है तो जहां उन्हें उचित स्नेह और प्यार दिया जाता है, अन्य संभव मानवीय सलूक, ठीक है, ह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, तो इनसे इससे उनमें अपराधी कार्यों को करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगती है। उनके साथ वैसा ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा, उनके जो जरूरतें हैं मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं उन सारी जरूरतों की पूर्ति की जाएगी, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को समझा जाएगा। ठीक है, तो वैसे बालक अपने आप ही अपराध की प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है बाल अपराध और विद्यालय। ठीक है, डेलिक्वेंसी एंड स्कूल, बाल अपराध और विद्यालय, ये क्या होता है। तो स्कूल का प्रभाव बालक बाल अपराध पर सीधा और गहरा पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बोले हमारे स्कूल का खुद का माहौल वैसा है, जो परमानेंट टीचर्स लोग हैं वो बच्चों के साथ अरे तरे करके बात करते हैं, कैसे तुम कैसे खानदान से आया है, तेरा माँ कैसी है, तेरा बाप कैसा, इस तरह के लैंग्वेज को लोग प्रयोग करता है। तो बच्चे जाहिर सी बात है जब आप उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होता है बालक के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहां के शिक्षकों को कुछ सुझावों पर अमल करना चाहिए, वहां के टीचर्स को भी वेल मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो जिससे बाल अपराध को कम किया जा सके। और ये सुझाव क्या क्या है, देखिए बोल रहा है कि बाल अपराध को रोकने या कम करने के लिए क्या हम लोग को स्कूल के शिक्षक, योग्य प्रशिक्षक एवं स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा बांटने वाले और ऐसे शिक्षकों में समस्याओं को समझने या अध्यापन करने की विशेषता, सूझबूझ या समझ हो, मतलब ऐसे ही टीचर्स आपको अपॉइंट करने हैं, ऐसे टीचर्स आने हैं जो बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाएं, बच्चों के साथ खुद उसमें इन्वॉल्व होके करवाएं। ठीक है, बच्चों की समस्याओं को समझे, उनकी परिस्थितियों को समझे, अगर बच्चे किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने में असक्षम है, तो उनके उनके लिए वो प्रयास करें उनको समझाने में, कई सारी विधियों का प्रयोग करके उनको समझाने की कोशिश करें। ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, ऐसे टीचर नहीं जो उनकी कमियों को निकाल कर उनको चार शब्द बोले, उनको उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, उनके घर परिवार तक के लोगों को गाली दे दे, ये ऐसे टीचर्स कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनके लिए ऐसे स्पेशल टीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि स्कूल में प्रत्येक छात्रों को उसकी अभिरुचि, अभिक्षमता आदि को परख कर उसके अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक बच्चा जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, उसका मानसिक क्षमता बहुत कम है, और हम उसको कोई सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, वो बना नहीं पा रहा है, और बार बार उसको पिन कर रहे हैं बनाओ, और बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं वहां पे सबके सामने उसको हम लोग शर्मिंदा कर रहे हैं, तुम गधा है, तुम ये है, ऐसा माहौल अगर बनाएंगे तो वो बच्चा तो आपका तो रिस्पेक्ट करेगा नहीं, स्टडी से भी उसका धीरे 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 मन हटता जाएगा। तो इस प्रकार का माहौल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे की जितनी क्षमता है, जिसमें उसकी अभिरुचि है, हमें उसी चीज को बच्चे को बताने की और पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार हमको उसको बताना चाहिए। ठीक है, और जहां तक संभव हो सके छात्रों को स्वयं से करके सीखने पर बल देना चाहिए, कि बच्चा खुद ही एक्टिविटी करे। अब कोई सम्स बनाना है तो हम बच्चे को हिंट दे दिए, जैसे कि हम लोग वाइकोस्की जी वाला थ्योरी पढ़े थे, कि हम बच्चे को हिंट दे दिए, हम बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए, अब उसको बच्चा क्या करे, वो खुद से बच्चा बनाएगा, तो बच्चे का समझ का निर्माण ज्यादा अच्छे से होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को स्वयं उस कार्य को करने के लिए क्या बोलेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे का क्या होगा, उसका रुझान भी बढ़ेगा, उसकी रुचि बनेगी। अब एक बार जब वो किसी चीज को बना लेगा ना, सॉल्व कर लेगा ना, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि हम एक बार बना लिए, हम इसी विधि का प्रयोग करके हम दूसरा सम्स भी बना सकते हैं, सर हम अब ये वाला भी बना लेंगे, सर आप देखिए हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। देखिए बच्चा कितना खुश हो जाएगा, उसका उसका ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, वो आपको खुद ही बोलेगा कि सर ये वाला देखिए हम बना दिए ना, देखिए ये वाला भी हम आपको बना के अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों को किसी भी कार्य को खुद से करने के लिए हमें ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। और अधिगम के प्रति उनका रुझान, यानी कि किसी भी चीज को सीखने के प्रति जो उनका रुझान होता है वह ज्यादा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है,
बच्चा अगर किसी चीज में मान लीजिए इन्वॉल्व है, कोई अच्छा नया नया एक्टिविटी कर रहा है, स्टडी में उसका मन लग रहा है, तो बच्चा अपराध की तरफ जाएगा, तब चोरी चकारी की तरफ उसका ध्यान बढ़ेगा, अपने आप उसका ध्यान वहां से हट जाएगा ना। अब हम लोग के दिमाग में एक ही टारगेट है कि सीटेट निकालना है, सीटेट पढ़ना है, सीटेट दिन रात सीटेट का तैयारी करना है, तो आपका दिमाग कहीं अदर की तरफ जाएगा, किसी दूसरी चीजों की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, आपका दिमाग तो इसी में बिजी है, दूसरी तरफ कहाँ से जाएगा। इसी तरह से बच्चों को किसी ना किसी कार्य में इन्वॉल्व करके रखना है, ताकि उस सब चीजों की तरफ उसका ध्यान जाए ही। ठीक है, आगे बोल रहा है कि स्कूल में पुस्तकालय और मनोरंजन के साधन, ठीक है, खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्राय जो ऐसे बच्चे होते हैं जो सब बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, मनोरंजन के साधन होने चाहिए, खेल कूद के साधन होने चाहिए, ताकि बच्चों को केवल निरंतर आप स्टडी करवाते रहिएगा ना, बच्चे बोर हो जाते हैं। उनको बीच बीच में प्ले देना चाहिए, गेम करवाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, वहां पे जाइए, देखिए बच्चों को अगर मान लीजिए पूरे 6 दिन, अगर 5 दिन अगर क्लास लिया जाता है, तो एक दिन एक पीरियड जो है बच्चों को गेम पीरियड दिया जाता है, उसमें बच्चा क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, गेम खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे या फिर कुछ माइंड वाला गेम खेलेंगे, उससे बच्चे रिफ्रेश होते हैं। एक ही चीज को बार 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 पढ़ने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ठीक है बच्चों को क्या करना है, हमको गेम देना है, गेम के माध्यम से उनका फिजिकल, हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, फिजिकली उनको हमें तंदुरुस्त बनाना है। ठीक है, और देखिएगा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर बच्चों को पिकनिक हो गया, यह सब भी ले जाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट से जोड़ा जाता है, और ऐसे चीज जगह पर ले जाया जाता है, जैसे कि अभी इन लोगों को ले गया, आप लोगों को कहाँ ले गया गया, कहाँ ले जाया गया था, दिल्ली, मनाली मनाली। तो मनाली आप लोगों को मैम। केवल घुमाने के व्यू से नहीं ले गया, ले जाया गया था, वहां पे किस तरह का हम लोग का ज्योग्राफिकल फीचर है। निशांत जी, निशांत जी आप भी कहते हैं, जी मैम। हाँ तो आप भी गई थी और ये भी गए थे, आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं, बोल रही है नहीं, आप गए थे निशांत जी, जी मैम। हाँ गए थे, बोल रहे हैं। क्यों आप देखी नहीं थी क्या? तो केवल वहां पे घुमाने के मनोरंजन के व्यू से नहीं ले जाया जाता है, वहां पे वहां के कुछ टीचर्स को भी बताया जाता है कि हमारा भारत जो देश है उसमें किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र हैं, वहां का एटमोस्फियर कैसा है, ठीक है, वहां पे कैसी मिट्टी, और सब चीज का भी नॉलेज देने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को घुमाने फिराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको पार्क में या फिर जू में ले जाया जाता है, तरह तरह के जानवरों से उनको पहचान करवाई जाती है। बड़े बच्चे हैं तो अच्छे दूसरे जगह पे ले जाए जहाँ पे उनका नॉलेज बढ़े। ठीक है,